मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। हिंदू को ही आज हजारों वर्ष से दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ। गिरबान में झांके, असलियत को पहचाने। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका, महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। राहुल गांधी की पार्टी को भले ही वो सीट ना मिली हो, वहां से समाजवादी पार्टी अलायंस में है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीते हो, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को अयोध्या जीत का इतना ज्यादा अहंकार हो गया है कि वो आंदोलन पर ही सवाल खड़े करते हुए अपनी पार्टी, अपने गठबंधन की जीत की बात कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में हम जीते हैं, इससे एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था राम मंदिर को लेके, उसको इंडी अलायंस ने हरा दिया है। और गुजरात में उन्होंने ये बात कही, उसके बाद नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ती जा रही है और सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से नेता। वहीं राहुल गांधी जो बार बार हिंदू आस्था पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, उस पर नुपुर शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने दिनों सदन में हिंदू हिंसक कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे हिंदू हिंसक से जोड़ दिया था। नुपुर शर्मा ने क्या कहा, ये आपको बता देते हैं। नुपुर शर्मा कह रही हैं कि हिंदू को हिंसक बताने वाले पर नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, उस पर निशाना साधा है, उन पर हमला बोला है। वो कह रही हैं कि बड़े पदों पर बैठे लोग कहते हैं हिंदू हिंसक है। ये कह रही हैं नुपुर शर्मा कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि कोई कहता है सनातनियों का ही पूरी तरह से जो है सफाया कर दो। ये बात नुपुर शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कही है, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन या हिंदू धर्म को लेकर बयान देते रहे हैं। हिंदुओं को इस साजिश को समझना चाहिए, नुपुर शर्मा कह रही हैं कि हिंदू इस साजिश को समझें जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, जो बयान देते हैं सनातन या हिंदू को लेकर, वो हिंदू लोगों को, हिंदुओं को समझना चाहिए। वो ये भी कह रही हैं, वो कहें तो वह, मैं कहूं तो सिर्फ तन से जुदा, वो अगर हिंदुओं को हिंसक कह देते हैं तो सब वाहवाही करते हैं, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले बयान दिया तो उस पर क्या बातें हैं। नुपुर शर्मा उस पर निशाना साध रही हैं। वो कह रही हैं कि देश तरिया से नहीं संविधान से चलेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सनातनियों को खत्म करने की साजिश हुई है। वो सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े कर रही हैं, राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं। कह रही हैं कि खात्मे की साजिश को मैंने महसूस किया है, वरना हिंदू बेटी को सुरक्षा में जीना नहीं पड़ता। वो अपने आप को लेकर ये बात कह रही हैं नुपुर शर्मा। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर हैं, क्योंकि गुजरात में बयान दिया तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राहुल गांधी में संवेदना नहीं बची है। आज इस पर बात करेंगे कि अयोध्या को लेकर लगातार राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, क्यों बार बार हिंदू आस्था पर प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन नुपुर शर्मा ने क्या कहा उससे पहले ये सुन लीजिए। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती। और राहुल गांधी के अयोध्या पर दिए गए बयान पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं, लगातार आपको हम बता रहे हैं, गुजरात से लेकर अलग अलग जगहों से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल राम भक्तों की राहुल गांधी को लताड़, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह से भगवान राम का या हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल अपने गिरेबान में झांको और हकीकत को समझो, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वहीं दूसरी ओर
प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि पूर्व कांग्रेस नेता है, वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन से इतनी नफरत तो मंदिर से कितनी होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी की मंशा पर पहले भी सवाल खड़े किए थे। सुरेंद्र जैन वीएचपी के महासचिव कह रहे हैं कि कांग्रेस में बचे हिंदू भी राहुल के रामद्रोह से सावधान हो जाए, और इसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ये बातें कहते रहे हैं और अब सुरेंद्र जैन ये कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है, वो कह रहे हैं कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नई है। शायराना अंदाज में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो वहीं प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि सुन लो राहुल मियां, आंदोलन ने लक्ष्य पूरा किया है, जिस आंदोलन पर राहुल सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आखिर राहुल को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, और बार बार बीजेपी के नेता राहुल गांधी या कांग्रेस से यह सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के अयोध्या, राम मंदिर या हिंदुओं को दिए गए बयान पर संपूर्ण हिंदू समाज से जोड़ते हैं, जिस पर कांग्रेस के नेता भी हमलावर हैं। लेकिन राहुल गांधी के राम मंदिर आंदोलन पर गुजरात में दिए गए बयान पर जनता क्या कह रही है, ये सुन लीजिए। राम मंदिर का जो वो एक मुद्दा ले रहे हैं, तो राम मंदिर कोई नहीं हारा है, और राम मंदिर पे चुनाव थोड़ी ना था, चुनाव तो हर बार होता है, 70 सालों में क्यों नहीं ये लोग जीते। तो ये जो पागलपन का इनके कीड़ा दिमाग में घूम रहा है नशा, तो इन्हें पहले तो राहुल गांधी को वो कम करना चाहिए। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो राहुल गांधी ले लो या अखिलेश ले लो, और जो 40 चोरों की सरकार बनने को जो कह रहे थे, क्या जिंदगी में राम भगवान को कोई हरा पाया है? ना कभी हरा पाया, ना कभी हराएगा। ये बालक बुद्धि है, इसको ये नहीं पता है कि 99 सीट लेकर के या 99 सीट लेकर के ये अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा है। मेरे ख्याल से उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। तो आम लोग भी राहुल गांधी के इस बयान से नाराज हैं, यहाँ तक कि अयोध्या के लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में ये बयान दिया, तो अब उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक में लोग यही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या जीतने के बाद, हालांकि उनकी पार्टी नहीं अलायंस जीती है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, आखिर इतना उड़ क्यों रहे हैं, किस बात का अहंकार हो गया है राहुल गांधी को, आज इसी पर महाभारत करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए कि कैसे उनके इस बयान पर सियासत हो रही है और बीजेपी के नेता हमलावर हैं।